सारा प्यार बड़ों को पहली बार जी गाइस गुड मॉर्निंग, क्योंकि 12 बजने में हमें पूरे 10 मिनट है तो हम 12 बजे से पहले आपसे मिल रहे हैं, इसलिए गुड मॉर्निंग हो रही है। और आज मेरा नाश्ता बहुत टाइम से हो गया क्योंकि मेरे हस्बैंड और बेटी दोनों चले गए टाइम से, तो नाश्ता हो गया। आरव अभी उठा है, ब्रूनो अभी उठा है, जब आरव उठेगा ना ब्रूनो ने तभी उठना है। तो मैंने ना आज सुबह कुछ बनाए थे अंडे का, कुछ मसाले वाले अंडे, मैंने शायद एक बार ब्लॉग में दिखाया भी था, और अंडे आरव को बहुत पसंद है तो इसीलिए उसके लिए पराठे बनाऊंगी दो और वो खाएगा अंडों के साथ नाश्ते में। और ब्रूनो के लिए तो बनेगा पनीर का पराठा, और उसके पीछे 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 मुझे आधा घंटा भागना पड़ेगा, कभी उसको कुछ करके कभी कुछ करके उसको खिलाना पड़ेगा। तो पहले आप ये देखिए जो बनाए हैं मसाले वाले अंडे, क्विक फटाफट झटपट गाइज, ये देखिए ये बनाए थे मैंने, और ये इतनी जल्दी बन जाते हैं ना विद नो एफर्ट्स, तो बिल्कुल एफर्ट्स नहीं करने पड़ते, खाली प्याज नमक मिर्च हल्दी दैट्स इट, और ये बहुत जल्दी बनते हैं। अब मैं नेक्स्ट टाइम बनाऊंगी तो आपको व्लॉग में दिखाऊंगी। और अभी मैं बनाने लगी हूँ इनके लिए परांठी, और ब्रूनो मैंने देखा कुछ कर रहा था, कहाँ गया ये? ये देखिए, जैसे इसे पता चला कि मैं इसका नाश्ता लाने लगी हूँ, ये यहाँ टेबल और सोफे के बीच में घुस के बैठ गया कि मुझे नहीं खाना। देख रहा कितना बदतमीज है। ब्रूनो को तो मैंने आपको दिखा दिया गुड मॉर्निंग करते हुए, और आरव की तरफ से गुड मॉर्निंग मैं ही कर देती हूँ क्योंकि वो अभी इतनी जल्दी आएगा नहीं, जस्ट सो के उठा है। तो चलिए मैं बच्चों के लिए परांठे बनाती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। चीज़ मैं आपको बताना ही भूल गई, ये देखिए जो मंदिर से हमें मोर पंख मिला था वो मेरे हस्बैंड ने यहाँ लगा दिया, यहाँ पर दो कील लगे हुए थे ऑलरेडी, तो वो इन्होंने टेप से यहाँ चिपका दिए बिल्कुल जस्ट टीवी की कैबिनेट के ऊपर, तो ये बहुत अच्छा लग रहा है। गाइस आज 2 बज गए पर काम सारा खत्म हो गया, मेरा नहाना रह गया, बट मेरे नहाने से पहले मैं आरव को थोड़ा सा उसका SST के एग्ज़ाम की कुछ डाउट्स हैं वो क्लियर कर दूँ, उसके बाद मैं नहाने जाऊँगी। और नहाने से पहले फेस पैक लगाऊँगी कॉफ़ी का पैक, क्योंकि टाइम है मेरे पास, मैं कॉफ़ी का फेस पैक लगाकर बच्चों की बुक फिल करती रहूँगी तो 10-15 मिनट में वो हो जाएगा। और मैं अपने हाथ पर लगाने वाली क्रीम लेकर आई हूँ, तो ब्रूनो इसके साथ खेलने लगा था, और आप हालत देखते ना बिना नहाए क्या क्या मतलब क्या शक्ल बनी होती है मैं बता नहीं सकती आपको, आप खुद ही देख लेते हो। तो चलिए अभी काम में लगते हैं, और ग्रीन टी का टाइम है, ये देखिए ये चल रही है हमारी मज़ेदार बढ़िया वाली ग्रीन टी, थकावट को रिलैक्स करने के लिए क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। पर आप लोग भी कहते होंगे नहीं गर्मी गर्मी बहुत करती है, एक्चुअली मुझे लगती है बहुत ज़्यादा गर्मी, बट फिर भी स्टिल मेरी ग्रीन टी ब्लैक कॉफ़ी साथ साथ चलती रहती है ताकि वो मुझे अलर्ट रखे और मैं अपना काम ऑन टाइम एक्टिवली कर सकूँ। तो चलिए अभी लगते हैं आरवी के साथ, अब तो हाय हेलो तो कर दें, हेलो गाइस, ये बाल सवार रहा है, हो गया कह रहा बस बस हो गया स्टाइल मार के आता है ऐसे नहीं आता। चलो अब हम इसको लगाने पढ़ाने लगते हैं। चलिए गाइस अभी मैं बनाने लगी हूँ अपने लिए कॉफ़ी का फेस पैक, तो मैं डालूंगी एलोवेरा जेल, थोड़ी सी हल्दी, एक विटामिन ई का कैप्सूल, ये देखिए इस पर लिखा हुआ है विटामिन ई, और कहाँ गई मेरी कॉफ़ी, और एक पाउच में डालूंगी इसमें, ये रहा मेरा कॉफ़ी का। गाइस ये देखिए मैंने विटामिन ई का कैप्सूल भी डाल दिया, हल्दी भी डाल दी, और कॉफ़ी पाउडर ये रहा, और अब मैं इसमें ऐड करूंगी एलोवेरा जेल, ये हमने डाल दिया एलोवेरा जेल। अब इसको करेंगे हल्का सा मिक्स और लगा लेंगे फेस पे। अब मैं इसको फेस पे लगाने के बाद आपके सामने आऊँगे तो आप लोग डर जाओगे, है ना। देखिए मेरा कॉफ़ी फेस पैक पूरा सूख गया आरव को पढ़ाते पढ़ाते, तो बस अब मैं नहाने जा रही हूँ, एंड आई नो आई एम लुकिंग सो हॉरिबल, मैं बहुत हॉरिबल लग रही हूँ और आप लोग भी डर जाओगे, बट वेट एंड वॉच विद इन आर 10 मिनट्स आई विल बी बैक विद माय मेकअप। तो चलिए हाँ तो कोई बात नहीं ना, अब जो देखो जो है वो है, अब अगर कॉफ़ी फेस पैक लगाया तो मैंने दिखा दिया, अब मैं जैसी लग रही हूँ, पर मुझे ना मैं अच्छी लग रही हूँ पता नहीं क्यों, है ना, मैं अपनी फेवरेट हूँ, आई नो कॉन्जरिंग वाली भूत नहीं हो कह रहे, कॉन्जरिंग वाला भूत लग रही हो, चलो कोई बात नहीं ज़्यादा मत बोल। तो अब मैं जा रही हूँ नहाने, और नहाकर मेकअप करके तैयार होके आपसे मिलूंगी बहुत गुड लुक्स में। गाइस देखिए बिल्कुल नहा धो के टिप टॉप होके आपके सामने रेडी, और मैं देखिए क्या खा रही हूँ, इतने से चावल, भूख ही नहीं लग रही ज़्यादा, दूध वगैरह पी लिया था सुबह तो नाश्ता लेट हुआ तो अब भूख लग नहीं रही है, तो मैंने थोड़े से चावल फिर भी खा ही लेती हूँ, पढ़ाने जा रही हूँ। और मैं आपको शाम को बड़ी सारी अच्छी अच्छी बातें बताऊँगी, मुझे मेरी बड़ी प्यारी सब्सक्राइबर का कॉल आया, एक्चुअली वो मेरे नोन है, पेरेंट हैं मेरे एक स्टूडेंट के, बच्चे पढ़ चुके हैं, जॉब कर रहे हैं, कॉलेज कंप्लीट हो गया, तो आज 3 साल बाद ऑलमोस्ट मैं शायद 2.5 या 3 साल बाद उनसे मेरी बात हुई और उनका कॉल आया, तो मेरी बड़ी सारी बातें, उन्होंने ब्लॉग्स के बारे में बड़ा कुछ बोला, मैं सब आपको शाम को बताऊंगी, अभी टाइम नहीं है, फटाफट खाना खा के फटाफट जाती हूँ पढ़ाने। देखिए गाइस मैंने छोटी सी प्लेट में ना फटाफट 2 चम्मच चावल डाले हैं, तो सुबह बनाए थे मैंने पुलाव मेरे हस्बैंड और बेटी के लिए लंच के लिए,
सब्जी के साथ, तो वो लेकर गए हुए हैं, तो ये 2 चम्मच जो थोड़े से रह गए ये अब मैं खा रही हूँ, आरफ खा चुके हैं, शाम को मिलते हैं, बाय। फाइनली फ्री हो गए हैं हम 8:15 बजे, आज ट्यूशन चली है 8:15 बजे तक, और मेरे हस्बैंड थोड़ा जल्दी आ गए थे, लेकिन फिर भी ट्यूशन हमने जल्दी ऑफ नहीं की क्योंकि अब एग्ज़ाम टाइम है तो टाइम देना पड़ता है। और अभी मैं जाऊँगी बेटी को लेने, और आज रात को बनाना है सिंपल इजी डिलीशियस मटर पनीर। तो मटर पनीर बनाना है तो पनीर लाना पड़ेगा क्योंकि इतना सा पड़ा हुआ है बिल्कुल ज़रा सा, तो कम से कम 1/2 kg चाहिए होगा। और पता है क्या, मटर पनीर तो बहुत ईजी है बनाना, लेकिन पनीर फ्राई करके डालना पड़ेगा, वो काम बड़ा टंटे वाला है, ये प्लेन वाला नहीं खाते। तो मटर पनीर बनाऊंगी और पनीर फ्राई करके ही डालूंगी ताकि सब खुश होकर खाएं। और बाज़ार का मेरा और कुछ ऐसा काम है नहीं, अमेज़ॉन जिंदाबाद, वहाँ से ग्रोसरी का सामान सारा मेरा आ ही जाता है। तो थोड़ा सा अभी रिलैक्स हुई हूँ, ब्रूनो को अभी जस्ट खाना खिलाया सुबह का नाश्ता, मतलब उसने 1:30-1 बजे किया था, उसके बाद अब खाना खाया, तो थोड़ा सा आधार है लेकिन खाता नहीं है। तो चलिए अब मैं जाती हूँ बाज़ार, बेटी का कॉल आता है तो उसको लेकर आती हूँ, और लेकर आते हैं पनीर। और गोलगप्पे मेरे आ चुके हैं, बट अभी बेटी का वेट हो रहा है, आरफ चला गया था गोलगप्पे ले आया है, तो बस जैसे ही वो आती है सबसे पहले आक्रमण होगा, गोलगप्पे खोले जाएंगे और खाए जाएंगे। गोलगप्पे बोलते बोलते मेरे मुँह में पानी आ रहा है और आपके भी आ रहा होगा, तो मैं दिखाऊंगी तो और ज़्यादा पानी आएगा। तो बेटी को लेकर आते हैं फिर खोलते हैं गोलगप्पे। बेटी को मैं ले आई हूँ और साथ में आ गए हैं गोलगप्पे, वैसे वो गोलगप्पे तो आरफ ही ले आया था, तो खाएं चलो आओ गोलगप्पे। और ये अकेले मेरे के लिए नहीं है, मेरे के लिए मतलब मेरे लिए नहीं है, सबके लिए है। और ये है पानी, इसमें डाली हुई चटनी, और ये है हमारी कटोरियाँ, और कटोरियाँ पकड़ के बैठे आरफ, जो भी वेट कर रहा है कि सारे इकट्ठे खाने बैठे। खाएं खाएं खाएं, ओके ओके गाइज, अभी गोलगप्पे तो खा लिए हमने, और अब मैं आपको रसोई की हालत दिखाती हूँ, मतलब इतनी सुंदर हुई पड़ी है ना, एकदम नीट एंड क्लीन, सारे बर्तन सेटअप है, मन कर रहा है रसोई में काम करने का, वाह वाह वाह। लेकिन उससे पहले मैंने आपको बताया कि मटर पनीर का प्रोग्राम चेंज हो गया, पालक मिल गई रास्ते में मुझे, और काफ़ी सारी मिल गई है, बट मैं पूरी नहीं बनाऊंगी, ये देखो, ओ बापरे बापरे, ये ऑलमोस्ट 1 किलो है पूरी, तो 1 किलो तो नहीं बनाऊंगी, बट ये ना उबलने के बाद इतू सी रह जाती है, तो पहले बॉयल तो मैं सारी कर देती हूँ, फिर देखूंगी उसी हिसाब से पीसने के बाद ये कितनी बचती है, तो बना लूँगी पालक पनीर। और फिर पालक पनीर बनाऊँगी तो पनीर फ्राई करने की ज़रूरत ही नहीं है मुझे, तो पालक पनीर बनाते हैं। बट उससे पहले ना एक लुक देखिए किचन का, चलो चूल्हा वगैरह तो साफ है, कुकर पड़ा है, यहाँ देखो, ओए होए होए, एकदम नीट एंड क्लीन, कोई गंदे बर्तन नहीं पड़े हुए, टोकरे के सारे बर्तन लगे हुए हैं, यहाँ पर लंच वंच कुछ नहीं धोने को पड़ा, तो मैं काम कहाँ करूँ। मैं ये सोच रही हूँ कि ये शेल्फ पे इतना सामान बिखरा पड़ा है, अभी अगर मुझे कुछ भी करना है तो मैं करूँ कहाँ पे, जगह तो है नहीं मेरे पास, तो अभी पहले मुझे पूरी रसोई समेटनी पड़ेगी, उसके बाद जाकर कुछ काम डिनर के लिए शुरू होगा, तो पहले इतनी मेस रसोई को करते हैं सेटअप और एकदम क्लीन। गाइस किचन समेटने के बाद सबसे पहले मैंने अपना हुलिया ठीक किया है क्योंकि गर्मी बड़ी लग रही थी, और जो मैंने टी शर्ट पहनी थी वो थी फुल स्लीव्स की, तो किचन में तो काम करना मतलब मरने वाला हाल है। तो अभी किचन समेट ली है और अब मैं बना रही हूँ पालक पनीर। टाइम हो रहा है 10:30, रात को 10:30 बजे अभी खाना बनना है, बनाया नहीं है। और कढ़ाई में घी डालेंगे, देसी घी, पालक पनीर उसमें बनता है, तो आइए देखिए क्विक फटाफट रेसिपी। पूरी सूख चुकी है तो मैं उसमें डालूंगी थोड़ा सा घी, और यहाँ पड़ा है ये पनीर, पालक उबल गई है कुकर में, प्याज काट दिए हैं, और बर्तन बर्तन सब धो के साइड पे रख दिए हैं, सिंक साफ कर दी है, तो किचन समेटी जा चुकी है। देखिए कढ़ाई में देसी घी डालकर उसमें हमने जीरा पाउडर डाल दिया है, और प्याज हमारे अच्छे से भुने जा रहे हैं, और जैसे ही प्याज अच्छे से भुने जाएंगे मैं डालूंगी इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, जो कि ये है, और टमाटर बिल्कुल नहीं डालना, नमक मिर्च हल्दी, दैट्स इट। और हम इधर जब पालक का प्रेशर निकल जाएगा तो उसको पीस लेंगे। देखिए पालक पनीर का मसाला बिल्कुल रेडी हो गया है, अब मैं पालक पीस लूँगी क्योंकि पालक ठंडी हो गई है। ये देखिए उबली हुई पालक केरी, आपको इतनी बड़ी थाली नज़र आई थी, और ये देखो उबलने के बाद क्या निकला है, देख रहे हो, दिखता इतना सारा है। और पनीर मैंने यहाँ काट के रखा है, मिक्सी ये रही मेरी जिसमें पालक पीसी जाएगी। एक चीज़ और दिखाती हूँ, अभी नीचे वाली आंटी के घर से आई है कड़ी, और हमने चावल आज बनाने नहीं थे, अब तो चावल बनेंगे क्योंकि कड़ी आ गई। और ये देखो ब्रूनो कैसे शांत होकर बैठा हुआ है, बांदर। मैं पालक पीसने से पहले फटाफट थोड़े चावल भिगा दूँ क्योंकि कड़ी देख के ना मुँह में पानी आ जाता है, एंड आई लव कड़ी चावल बहुत ज़्यादा। बट आपको पता है कि मैं कड़ी खाती हूँ ना, कड़ी में से पकोड़े नहीं खाती, पकोड़े मैं तब खाती हूँ जब कड़ी में ना हो, अगर कड़ी में डाल दी तो मैं नहीं खाती। तो अब कड़ी कड़ी मैं थोड़ी सी ले लूँगी चावल के साथ, और थोड़े चावल बना लेती हूँ बाई चांस इन लोगों ने भी खाने हुए तो। तो चलिए पहले चावल भिगाते हैं फिर पालक पीसते हैं। गाइज ये देखिए पालक पनीर की खुशबू इतनी अच्छी आ रही है, मैं आपको बता नहीं सकती। और आप देख रहे हैं पालक पनीर की शक्ल कितनी ज़बरदस्त बनी है। एक्चुअली मैं ना पालक पनीर में पनीर भी थोड़ा ज़्यादा ही डालती हूँ, खाली पालक ही पालक नहीं होती है। तो आप देख रहे हैं कि पालक पनीर बिल्कुल बन के पक कर रेडी हो चुका है,
अब जब इन लोगों को रोटी खानी होगी तो गरम गरम फुलके बनेंगे और खाए जाएंगे। देखिए मैं आपको जूम करके दिखाऊं, ये देखिए गाइस क्या लग रहा है, पालक पनीर, आई एम लविंग इट। गाइस जो बात आपसे करनी थी वो हम कल करेंगे, अभी बहुत गर्मी लग रही है, ब्लॉग कर रही हूँ मैं एंड, क्योंकि अब है 10 मिनट बैठने का टाइम, तो बात करते हैं कल, मिलती हूँ आपसे कल। अब हमने क्या बात करनी थी उसके लिए मेरा कल का ब्लॉग जरूर देखिएगा, सस्पेंस। तो चलिए हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए, और आपके ढेर सारे प्यार के लिए, ढेर सारे कमेंट्स के लिए, और हमें सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू वेरी मच। सो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ध्यान रखिए, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।